आई होप पिछले वीडियो में वो चीजें आपको समझ में आई, स्विच का पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं। और उसी सीरीज को मैं आगे लेकर चलते हुए इस बार मैं राउटर का पासवर्ड ब्रेक करना सिखाता हूँ, चाहे कंसोल का, चाहे टेलनेट, चाहे यूजर एक्सेट्रा, जो भी हो आप चीजों को आप यहाँ पे यूज करते हो पासवर्ड ब्रेक करने के लिए, जिस किसी का भी पासवर्ड हो आपके पास। तो आई होप स्विच वाला आपको समझ में आया होगा। अब राउटर का पासवर्ड ब्रेक करने के लिए हम ये वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि हमारे नेटवर्क में से मैंने ये दो डिवाइसेस निकाली, इस बार जहाँ पे स्विच था इस बार राउटर लगा है। तो स्विच और स्विच से मेरा लैपटॉप जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डेस्कटॉप जिससे मैंने कंसोल लिया, क्योंकि कंसोल केवल हमारे लैपटॉप में नहीं है जैसा कि पिछले वीडियो में देखा। अगर आप वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हो तो प्लीज़ आप इसके पीछे वाली वीडियो जिसमें मैंने स्विच का पासवर्ड रिकवर कैसे करते हैं वो बनाया है उसको देखिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस नहीं है। तो अपने प्रोडक्शन से, बाय द वे प्रोडक्शन में हमारे, तो प्रोडक्शन में नहीं, लैब में मैं कह सकता हूँ अप टू 50 सिस्को राउटर्स या डिवाइसेज हैं टोटल, लेकिन उसमें से दो डिवाइस मैं अभी स्पेशल निकाल पाया हूँ ताकि मैं पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं वो दिखा सकूँ। उसका कारण ये है कि वो रैक पे लगे हैं तो वहाँ पे मेरा वेब कैमरा पहुँच नहीं पाता, इस वजह से यहाँ से मैं कर रहा हूँ, है ना। सो आई होप आपने समझ लिया करना क्या है। तो राउटर का एक मेन चीज होता है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर एक मेमोरी होती है, जैसा कि रजिस्टर हम देख रहे हैं, एक रजिस्टर होता है जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि बूट लोडर को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करानी है तो वो कहाँ से ढूंढे, है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम खोजे कहाँ से, किस जगह पे वो रखी गई है। वो हो सकता है आपके TFTP सर्वर पे हो, FTP सर्वर पे हो, आपके USB पेन ड्राइव में हो। चूंकि हायर सीरीज की अगर हम देखें, इनफैक्ट 2800 सीरीज का भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, 2900 सीरीज का, सब में तो एक USB पोर्ट दिया है, एक या एक से अधिक USB पोर्ट। बाय द वे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि कहाँ है, ये देख रहे हो आप दो USB पोर्ट है आपके पास कॉर्नर पे, अरे बाजू से देखो कंसोल पोर्ट गया है ना। सो लेट मी डू इट एज इट इज। ओके, तो उसके लिए बूट लोडर नाम का एक प्रोग्राम होता है, जैसा कि हमने पहले जाना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। लेकिन सबसे पहले तो वो देखता है कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर में क्या लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ेगा और फिर बूट करने की कोशिश करेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर में वैसे तो कई चीज़ें होती हैं, हम सबके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर में अगर बूट लोडर ने ये कोड पाया 0x2102, तो इसका मतलब है कि इसको नॉर्मल बूट करना है ना, नॉर्मल NORMAL, नॉर्मल बूटिंग है। अगर रजिस्टर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर के अंदर ये इंफॉर्मेशन मिली तो वो नॉर्मल बूटिंग करेगा। अगर उसके अंदर ये मिला तो वो क्या करेगा, iOS को सिर्फ लोड कराएगा और फिर से कॉन्फ़िगरेशन फाइल को नहीं लेगा। बाय द वे राउटर में कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ होती है, राउटर की अगर हम बात करें तो राउटर में कॉन्फ़िगरेशन फाइल NVRAM में, यहाँ पे NVRAM होता है, ओके, उसके अंदर रखी जाती है। लेकिन जैसे बूट लोडर नाम का प्रोग्राम होता है ये रोम में होता है, रोम में अब ये जैसे ही ऑन करोगे राउटर तो लोड करने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले वो जाके कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, एक एंट्री होती है जहाँ पे लिखा होता है किससे बूट किया जाए। जैसे आपके कंप्यूटर के बायोस में होता है आप बूट किससे करना चाहते हो, CD से, DVD से, पेन ड्राइव से, नेटवर्क से, हार्ड ड्राइव से, उसी तरह यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर होता है। बूट लोडर क्या पढ़ेगा, किससे हमें लोड कराना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उसी को लोड कराएगा। तो अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर में ये लिखा है तो इसका मतलब नॉर्मल इसको बूटिंग कराना है, ये iOS को तो लोड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ कॉन्फ़िगरेशन को भी लोड कर देता है। जबकि जब ये लिखा है तो आप साफ लिखा है इग्नोर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, है ना। तो अभी के लिए मैं दिखाना चाहूँगा, मैं जैसे आपने एक कमांड चलाया सो वर्जन, तो सो वर्जन में देखिए आपका 0x2102, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन में है जैसे हमने दिखा है ना। तो बाय द वे सो वर्जन,
सबसे नीचे आ जाओ ताकि मैं फिर से एक बार आपको दिखा सकूं। यहाँ पे एलवी रैम है हमारा, आप देख सकते हो नॉन वोलाटाइल कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी इतनी बाइट थी। ड्रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी 64 MB का है, 300। ओके ये है। तो अभी हम कंसीडर करेंगे कि इसका पासवर्ड भी हम लोग भूल गए, तो उसको हम कैसे रिकवर करते हैं। इस पे प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो पहले तो देखने में पासवर्ड लगा है कि नहीं, नहीं लगा हो तो लगा देते हैं एग्जिट। कंसोल पे देखिए पासवर्ड लगा है, पासवर्ड मांग रहा है, बाय द वे पासवर्ड वही सिस्को है, इनेबल जैसे लिखा फिर से पासवर्ड सिस्को मांग रहा है। ओके सिस्को मांग रहा है, अब ये आपको तो दिखाना पड़ेगा ना, नहीं आप कैसे कंसीडर करोगे कि सिस्को ही पासवर्ड है ना। तो लिखता हूँ मैं CISCO और एंटर, राइट। फिर से लिखता हूँ इनेबल और फिर पासवर्ड मांग रहा है CISCO, तो अभी पासवर्ड सिस्को है। तो इसका पासवर्ड ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिए, इसका पासवर्ड ब्रेक करने के लिए एक स्पेशल चीज हमें जाननी होगी। यहाँ पे असल में पहले तो चीजें टेक्निकली आपको समझानी पड़ेगी क्या होता है, फिर उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ। आपके राउटर की हम बात करें, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, क्या राउटर में कोई ऐसी इनपुट डिवाइस दिख रही है, क्या कहीं यहाँ पे हम कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं, कुछ ऐसा अटैच कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना जिसको आप अटैच कर पाओ। मेरे कहने का मतलब ये था कि राउटर में अगर हमें इनपुट देना हो तो हमारे पास वही कंसोल पोर्ट ही रहता है जिसके थ्रू इनपुट दे सकते हैं। जैसे हम कीबोर्ड में इनपुट किसके थ्रू देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू, सॉरी कीबोर्ड में कह रहा हूँ कंप्यूटर में, है ना। तो हम यहाँ पे कंसोल पोर्ट के थ्रू इनपुट देते हैं। इनफैक्ट जैसे ये कंसोल केबल लगा है, ये देख रहे हो आप दिस वन, ये आप चाहो इसमें लगा दो तो भी काम करेगा, एक्सिलरी में आप चाहे इसमें लगा दो तो भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हाँ यूएसबी पोर्ट में एक्चुअली वो फ्लैश, मान लो आपका यूएस करप्ट हो गया, यूएस का बैकअप लेना चाहते हैं, तो ये मेमोरी की तरह एक पोर्ट दिया है, आप पेन ड्राइव जैसा ट्रीट करा सकते हो, लगा के ट्रीट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नहीं नहीं कीबोर्ड में, सॉरी कीबोर्ड डायरेक्ट यूएसबी से नहीं कनेक्ट होता, सॉरी यहाँ पे आपके राउटर में। बाय द वे मेरे कहने का मतलब क्या था, हम क्या करते हैं एक कंट्रोल ब्रेक का सिग्नल भेजते हैं, BREAK ब्रेक, ब्रेक सिग्नल हम राउटर को भेजते हैं। इससे क्या होता है, हमारा बूट लोडर नाम की जो फाइल होती है वो इंटरप्ट हो जाता है, वो इंटरप्ट हो जाता है, है ना। और फिर वो क्या करता है, हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड नहीं करता। बात समझ रहे हो, देखो कैसे हम लोग करते हैं उसको, ये स्विच है राउटर है हमारा, राउटर को मैं रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो रीस्टार्ट मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तरीका क्या है, ये जो स्विच आपको दिख रहा है यहाँ पे पावर की, दिस वन, है ना, या तो मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर दूँ, लेकिन मैं बिलीव करो अगर यहाँ से मैं ऑफ करता हूँ और फिर ऑन करता हूँ तो मेरा राउटर इतना ज्यादा साउंड करेगा कि फिर मैं वीडियो क्लियर नहीं बना पाऊंगा। तो इस वजह से मैं राइट, इस वजह से मैं कमांड से रिस्टार्ट करता हूँ। सो रीलोड, यस रीलोड हमने कर दिया। रीलोड करने के बाद देखिए हम विंडो पे आइए, कंट्रोल पे, ये यहाँ पे है सेंड ब्रेक की, सेंड ब्रेक की, अब जैसे रीलोड होने लगे तब करना होगा आपको, बाय द वे तो अभी रीलोड हो रहा है। अब आप क्या करो, सेंड ब्रेक की एल्ट के साथ बी आप प्रेस करो, एल्ट बी, सो लेट्स स्टार्ट। एल्ट बी नाम से आपको एक की को प्रेस करना होगा। चलो भाई रीस्टार्ट हो जाओ। अब ये कंट्रोल की एक्चुअली सब में अलग अलग होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना, अलग अलग प्रोग्राम में अलग होता है। जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ टेरा टर्म, सिक्योर सीआरटी में हो सकता है अलग की कॉम्बिनेशन से हो, देखो आ गया हमारा। तो अभी मैंने क्या दिखाया आपको, ये सेंड ब्रेक एल्ट बी, वैसे आप टेरा टर्म यूज कर रहे हो तो दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, कई चीजें हो सकती है बाय द वे। ओके
सो हमने अल्ट बी प्रेस किया, इसके बाद हमें क्या करना है, जैसा कि पहले ही हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था अब आप स्टेट चेंज होगा। हम कंसीडर किया और तो कंसोल लगाया, हम कंप्यूटर कंसोल लगाने हमने ब्रिक कमांड के एंटर के साथ, तो वो क्या आएगा, बूट बूट लोड आया है हमारा, क्या है सिर्फ मिला जाए, हम रोमन भी कहते हैं जैसे कि अभी हाई है हमारा पूरी तरह नहीं है ध्यान में। यहाँ पे हम चेंज इसको कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, तो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर बाया था पहले नॉर्मल 0.2.21 बाया रहे थे, क्या होगा कि जो भी कॉन फाइल थी लोड, तो बूट लोड यहाँ पे है, ये देख सकते हैं आप कॉन ड्रैग 0.2.2 है ना, आपने कर दिया यू मस्ट रीसेट, या तो आप रीसेट कमांड है या तो आप से वही बटन स्टार्ट, तो बाद में यहाँ पे सेट लिखा हूँ री, क्योंकि ऐसा इसलिए रीसेट तो मैंने पैक रीसेट होगा तो काउंटर बहुत स्टार्ट थी इस काउंटर की करेक्ट 28 में मैंने था, लेकिन वो सीरीज जो अभी लेट होता है ऐसा नहीं, बाकियों में काफी करता है उसके समय, तो हमारा रन स्टार्ट हो स्टार्ट होने होने ये क्या जो भी स्टार्टअप पिक हमें भी रजिस्टर हुआ तो एक रहेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड, फिर कैसे चलते हैं देख, तो तब वीडियो को बताऊं तो स्टार्ट किया डी वन में पहले लगभग पीरियड ले लेते हैं सब पे, और मैं भी हालांकि तुरंत हो चाहे वो वैसी बात है चाहे पैक सब की बात, ओके के लिए मैं बॉस करूँ सुबह मैंने कुछ इस पे किया देखो रहा है मैं इसका और अच्छा स्नैप लेटेस्ट हो रहा है, फिर से मुझे अभी मिनट लगे से मैं वीडियो कर क्योंकि अभी नहीं हुआ के लिए आई किया जाए तो फिर पोस्ट वगैरह वगैरह होंगी लेट मत दे हो चुका है हमारा, तो मैंने कुछ नई चीज़ दिखाना कि ऐसे नहीं कि कॉन्फिग को बूट कर दिया, आप चाहते हो सीएल कॉन्फिग लोडेड, देखिए अब अबे सिर्फ पहले क्या ध्यान दिए किया है ना सारे लगे तो बाय में करते हैं एबल करने चलाते स्टार्टअप स्रोत आपको पता नहीं है ना, आपको पता नहीं कर देता टर्मिनल एक लाइन का थ्री होप आप इन उसी तरह एग्जिट 1 2 ये हमने स्मार्ट एक चीज में डिस्क्रिप्शन के बीच में दिखा सम करके जन से मैं रहना चाहता हूं बूट गाइस में सब क्या है अभी हमारा मैं सेटिंग करके पास कर दिया है ना पासवर्ड तो अभी जो लगा है लेकिन सेव कर इंटीग्रेशन सेव कर दियोगे से का ही सिर्फ क्योंकि आप कर दिया इंटीग्रेशन नहीं सबसे पहला करूं पी रन टू फाइल गया तीसरा वांड अप करना फिगर टर्म कैसे रहने तो बार बार इतनी बार स्टार्ट कर पूरी इंटीग्रेशन गलत है ना है हाँ कई तो दो नॉर्मल दो तो करना पड़ेगा यहाँ से प्रॉपर ले हमारी चेस के साथ हाँ बूट क्या करेगा कोई भी लोड ऑपरेटिंग किसी ना किसी को देखा ये भी ये किया फिर से भी लोड तो वर्क करके आप में सब सेम चीज है क्या बूट हो दूसरे में करंट पर क्या है 21 में बी ले लोड एक और दो है ना तो हम क्या चाहिए राउटर लोड या स्टार्ट करना तो मेक्स आपने जो कि उसको मेरे ग्रेट हो जाएगा चीजें हमने पूरी की है और मैं लोड कर गुड सो क्या बटन से स्टार्ट करते लेकिन मैं सिर्फ ये चीज कहना कि मैं अगर साउंड ना कर पाई नॉइज करती दैट्स रीलोड अब वीडियो को बता हूं 2 मिनट के लिए म्यूट तक ये वापस ओके हम को ना चाहे वही विंडो पर अभी चेंजेस ना अगर मैं पर कर के साउंड तो अब पॉइंट और आई हो रहा है ऐसे ही इस बार देख हमारे स्टार्टअप को भी किया जाएगा और जो पहले वो था अब उतरी हो जाएगा ओके वो अगेन पॉज सो मेरा अंदर बूटा है मैं कोई भी जाने जा अभी तक कोई भी नहीं चाहिए तो नीचे अगर जाए डाउन पूछ रहे हो तो पास क्या देना चाहिए आपसे आपके हिसाब पहले मैंने दी एस सी ओ इसको पासवर्ड गलत है क्योंकि वन टाइम था तो 2 3 एंड्रेट लिखता फिर से समझ में आया सो कि ये चीज समझ में आया ब्रेक हमने काम करना चाहिए सभी समझ में आया क्या हुआ हम ये राउंड एंड मिला जहाँ पे कॉन्फिगर थी एडिटिंग आपके हो कि सब ये रखिए और दूसरी क्या डेसी कि अगर सी टर्म्युलेटर टर्म्युलेटर को हम कहते हैं नाम टेलो सिक्योर सी हम ऐसे भी ब्रांड है टर्म्युलेटर आते हैं उसको ब्रेक करते हैं इससे कि हमारा बूट लोडर हो जाए मैं रजिस्टर एंट्री कर 2 1 समथिंग इससे क्या होता बूट लोडर स्टार्टअप को इग्नोर सिर्फ ऑपरेटिंग को लोड तो हम क्या कभी सेटिंग में कर लेंगे सेटिंग कर सेव कर करने की सुन कर इसको जहाँ कर दी तो जब आपको जो पास आई किया तो ये हमने किए आई हुई चीजें हमें आई हुई बटन ब्राउन ब्रेक कर अरे ये की सभी रियल डिवाइस की स्पीड से ब्रेक आप वीडियो आपको रेटेड तक मेरे चैनल करो तक पाओ आप जाके लिखते तो पर हमारी ही आती इसको आगे सब सकते हो सबसे ये आप चाहो को भी को आप वेब पे उनका लिखो आज सुन लीजिए सबसे पहले पेज पे भी आप मिल जाएंगे पर भी मिल जाएंगे जिन हम लोग करते हैं
इन्होंने भी बना है, ब्लॉग करना है आपको भी सकते हो पे, आप सीधे माइक्रोसॉफ्ट सीएमपी राउटिंग में मैं अपलोड कर रहा हूँ, उनको भी दे लो। तो ये रिक्वेस्ट थोड़ा भी लगता है कमेंट करो ताकि मैं समझ आपको समझ में आऊँ।